दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने मॉडलिंग से फिल्मों में आकर खूब नाम कमाया, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। इस अभिनेत्री के बारे में कहा जाता है कि तीनों खानों की वजह से इसका करियर बर्बाद हो गया क्योंकि इनकी हाइट तीनों खानों से ज्यादा थी। दोस्तों इस अभिनेत्री का नाम है सोनू वालिया। दोस्तों अगर आप सोनू वालिया को नहीं जानते तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज हम आपको उन्हीं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। दोस्तों सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 को हुआ था। सोनू वालिया के पिता भारतीय सेना के अफसर थे। साइकोलॉजी से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ भी था और इसीलिए उन्होंने साल 1985 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ताज भी अपने नाम कर लिया। मॉडलिंग के बाद सोनू वालिया ने बॉलीवुड में राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हालांकि खून भरी मांग फिल्म के बाद उन्हें कोई खास फिल्म नहीं मिली जिसकी वजह से उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बेताल 25 नामक टीवी धारावाहिक में भी काम किया था। उनकी कुछ सफल फिल्मों में अकबर खान के साथ बनी फिल्में आकर्षण और त्रिदेव मानी जाती हैं। 1988 में फिल्म आकर्षण से सोनू वालिया ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इस फिल्म में उन्होंने बेहद ही बोल्ड सीन्स दिए थे जो उस समय किसी भी अभिनेत्री के लिए आसान नहीं था। उनके इस रूप को देखकर तहलका मच गया था। सोनू ने खेल, दिल आशना है, स्वर्ग जैसा घर, तूफान, आरक्षण, तहलका और अपना देश पराए लोग जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर अपनी छाप छोड़ी थी। काफी सालों बाद इस बात से पर्दा उठा था कि आखिर सोनू ने फिल्मी दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया था। उन्होंने खुलासा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री के तीनों खानों की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाया था क्योंकि सोनू की हाइट काफी लंबी थी जबकि तीनों खान हाइट में उनसे छोटे थे, जिसके लिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के बावजूद उन्हें वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी। बी ग्रेड फिल्मों में काम कर अंग प्रदर्शन करने की वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शादी करके सेटल हो जाना ही सही समझा। बाद में उन्होंने सूर्य प्रकाश सिंह नाम के एक NRI से शादी करके अपना घर बसा लिया था। हालांकि सोनू के जीवन में अभी कुछ और तकलीफें आना बाकी थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद सोनू के जीवन में NRI फिल्म प्रोड्यूसर प्रताप सिंह आए, जिनमें सोनू ने एक बार फिर अपना हमसफर देखा और उनसे शादी कर ली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।